नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। मैं हूँ आपके साथ आस्था त्यागी। हापुड़ में बारिश से मौसम में टमाटर की उत्पादकता की लोकल में कमी हो गई। जो टमाटर हुआ भी था वह अचानक बारिश में बर्बाद हो गया। ऐसे में अन्य प्रदेश से आने वाला टमाटर महज एक हफ्ते के अंदर 10 गुना महंगा हो गया। बीते 2 से 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिससे कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। टमाटर की फसल भी इसमें शामिल है। बारिश से पहले टमाटर का भाव महज 5 से 10 रुपए किलो था। बारिश के दौरान 30 से 40 रुपए में टमाटर बिकने लगा। बारिश न होने पर अचानक से 15 से 10 गुना से अधिक टमाटर के भाव में उछाल आ गया। बाजार में अब टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। सब्जी विक्रेता सरफराज बताते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा टमाटर महंगा हुआ है। 4 से 5 दिनों पहले टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था, वही अब यही टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक पहुँच गया है। टमाटर पर बारिश की सबसे बड़ी मार पड़ी है। जिले में अचानक हुई बारिश ने टमाटर की फसल को लगभग चौपट कर दिया है। ऐसे में अब टमाटर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, जिस कारण टमाटर के रेट अचानक बढ़ गए हैं। बाहर से जो टमाटर आ रहा है वह लाल भी है और स्वादिष्ट भी, जिसके चलते टमाटर के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अचानक सब्जी के बड़े भाव को लेकर ग्राहकों ने बताया कि अब तो थालियों से सब्जी गायब होती हुई दिखाई देगी। एक ग्राहक ने बताया कि सभी सब्जियों में टमाटर का प्रमुख योगदान होता है। टमाटर के प्रयोग से ही सब्जियों में स्वाद आता है। ऐसे में अब स्वादहीन सब्जी खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से टमाटर के दाम आसमान को छू रहे हैं, उस तरह से तो अब टमाटर लोगों के लिए खरीद पाना तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।